प्राचीन हफ्ते में आज एक हिंदी कहानी आपकी परिचय में लाने के लिए मैं आई हूँ। सुप्रसिद्ध कहानी का श्री यशपाल द्वारा लिखी इस महत्वपूर्ण कहानी का नाम पर्दा है। ये कहानी तर्क के तूफान कहानी संग्रह से ले गई है। इसमें मुख्य कथापात्र चौधरी परिभक्षा खान और उनके परिवार की कहानी बताई जाती है। लेखक ने इस परिवार की ऐसी दयनीय चित्र उपस्थित की है जो अत्यंत निर्धन होते हुए भी अपनी अतीत गौरव की रक्षा करने के लिए घोर कष्ट सहकर भी अपनी गरीबी दूसरों की दृष्टि से छिपाने की प्राणपण से चेष्टा करते हैं। अब कहानी की ओर जाते हैं। भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क से वे क्रांतिकारी बने। इनके संबंध से अनेक बार उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने की बात ही वे लखनऊ में रहकर उनकी साहित्य सेवा की शुरुआत की थी। तर्क के तूफान, अभिशप्त, उत्तराधिकारी, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल आदि उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पर्दा नामक की कहानी तर्क के तूफान कहानी संग्रह से ले गई है। इसमें मुख्य कथापात्र चौधरी परिभक्षा खान और उनके परिवार की कहानी बताई जाती है। लेखक ने इस परिवार की ऐसी दयनीय चित्र उपस्थित की है जो अत्यंत निर्धन होते हुए भी अपनी अतीत गौरव की रक्षा करने के लिए घोर कष्ट सहकर भी अपनी गरीबी दूसरों की दृष्टि से छिपाने की प्राणपण से चेष्टा करते हैं। अब कहानी की ओर जाते हैं। अपने दादा के जमाने में मोहल्ले के सबसे समृद्ध परिवार होने के कारण इनकी जीवन शैली हमेशा नजाकत और नफासत भरी थी। इसी परिवेश में बले और पड़े बड़े परिभक्षा अपनी गरीबी के दिनों में भी यही दिखावा करने की कोशिश करते हैं, परंतु सत्यार्थ कुछ और ही है। दोस्तों, ये झूठी प्रतिष्ठा की ये चित्र अत्यंत हृदय द्रावक है। अपनी गरीबी की विभीक्षिका पर पर्दा डालकर सच्चाई से मूंधे रहने वाले इनकी असलियत आखिर बाहर ही आ जाती है। एक दिन गर्चे की राशि ना चुका पाने से स्वान ने इनकी घर के सामने की ये पर्दा खींचकर फेंक देते हैं। तब इस पर्दे के पीछे की दयनीय दशा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। इस कहानी से कहानीकार यही संदेश हमें देना चाहते हैं कि वास्तविकता को छिपाना व्यर्थ है। नकल और झूठ से ज्यादा सम्मान हमेशा असलियत को प्राप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस समाज की कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठा की मिथ्या धारणा में फंस न जाए, और जैसे लेखक ने हमें इस कहानी से समझाया वैसे सच्चाई का हाथ कभी न छोड़े। ऐसे बहुत ही और मूल और महत्वपूर्ण संदेश यशपाल जी इस कहानी से हमें देते हैं। इसलिए ही मैं चाहती हूँ कि आप सब भी एक बार इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। Dreams of traveling the world in search of a treasure as desirable as any ever found. He is wondering what to do because he is very happy and comfortable with his life. But somewhere in his heart, Santiago keeps feeling he should follow his dream. As Santiago begins his journey, he meets a lot of people on his way. He travels through a lot of different regions, and everything adds on to his experience and enriches his life. A gypsy woman tells him, in order to get his treasure, he is supposed to go to the pyramids in Egypt. And once he starts his journey, he meets the king of Salem. He meets a lot of other people. Everyone, in some thank you. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം സ്ഥാപിച്ചു. കേരള സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് പി എൻ പണിക്കരാണ്. അദ്ദേഹം കേരളം ഉടനീളെ സഞ്ചരിച്ച് വായിച്ചു വളരുക, അതുവഴി പ്രബുദ്ധരാകുക എന്ന് യുവതലമുറയെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. സമഗ്ര വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അടങ്ങാത്ത വിജ്ഞാന തൃഷ്ണ ഒരാളെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലെത്തിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെ അത്യുന്നത ശൃംഖലയിലെത്തിക്കുന്നത് വായനയുടെ മഹാത്മ്യത്തിനാണ്. വായനയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ അക്ഷരലോകത്തിന്റെ മാന്ത്രിക വാതായനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിച്ചത് പി എൻ പണിക്കരുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ്. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പി എൻ പണിക്കർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ അമൂല്യവും
അറിവ് നേടുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ ഓരോന്നായി അഴിയുന്നു. വായന വിശാലമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന നിധി ശേഖരങ്ങളാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. വിശപ്പിന് മറുമരുന്നായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് സർഗാത്മക ലോകം ശിവ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ. Story of an engineer groomed by legendary professors like Vikram Sarabhai. It's a story of a scientist who tested by failures but still went on to become a key player in Indian space research. Kalam was born in Rameshwaram, a southern religious town in Tamil Nadu, on 15 October 1931. His father was Jalaluddin and mother was Ashi Amma. Though his parents inherited the qualities of honesty, self-discipline and faith in kindness, the initial chapters provide us an interesting picture of religious harmony existed in India during that time. After completing his education from Shuarts High Secondary School, he joined St. Joseph College, Trichy, and became graduate in physics. Then he moved to Madras